हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं करीब 2 दिन के बाद एक कोई रेसिपी लेकर के आई हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था 28 नवंबर को, तो उसमें थोड़ा सा बिज़ी थी। और आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी एग भुर्जी की रेसिपी है। तो वो आपको अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ बनाकर भी देखिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत ही सिंपल एग की रेसिपी हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के प्याज को पतला पतला सा कट करके रखा है बड़े टुकड़ों में। 5-6-7 कली लहसुन और 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक कट कर लिया है यहाँ पर। साथ ही यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक कट कर लिया है। और इसके अलावा मैंने थोड़ी सी हरी धनिया को भी साफ़ करके कट करके रखा हुआ है। इसके अलावा मैं इसमें एक छोटा अदरक का टुकड़ा भी डालूंगी, जिसको मैंने प्याज में कट कर दिया है। चलिए, अभी हम लोग फटाक से अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में मैंने करीब 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लिया है। आप जो ऑयल खाते हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें हमारा लहसुन और हरी मिर्च पहले डाल देंगे और उसको अच्छे से चलाते हुए थोड़ा सा भुनने देंगे 1/2 मिनट के करीब। बस ये जैसे थोड़ा सा ये भुन जाएगा, इसके बाद हम इसमें जो हमारा प्याज और अदरक है वो ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके 1/2 से 1 मिनट के लिए भुनने देंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है पटाखा, इसको हमें हल्का सा भून लेना है। हमारे यहाँ विंटर्स में एग बनता है ना, तो हम सबसे ज़्यादा एग भुर्जी ही बनाते हैं। और तरीके से भी हम अन्य की सब्ज़ियाँ बनाते हैं, पर सबसे ज़्यादा एग भुर्जी बनाते हैं। आप कौन कौन सी सब्ज़ियाँ बनाते हो ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, हमारा प्याज थोड़ा भुन गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये मसाले जो मैंने ऑलरेडी निकाले। सिंपल मसाले हैं, धनिया मिर्चा, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मसाला डाल करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस जैसे ही हमारा मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा, तो जो हमने टमाटर कट करके रखा है हम इसमें डाल देंगे और टमाटर को भी हम सब सब साथ में मिक्स कर देंगे। और करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे, जिससे टमाटर थोड़ा सा जब नरम हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें एग डालेंगे। तब तक हम साइड में एग्स को तोड़ लेते हैं। मैं इसमें करीब 8 अंडे का भुर्जी बनाने जा रही हूँ। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। तो बस ये मैंने अंडे तोड़ लिए हैं और ये देखिए हमारे टमाटर तो भी नरम हो चुके हैं। तो मैं ये जो अंडे हमने तोड़ के रखे हैं मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और साथ ही मैं और अंडे भी तोड़ के इसमें डालूंगी। और एग की जो ये रेसिपी होती है ना दोस्तों, मतलब ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो ज़्यादातर मैं इसी रेसिपी को एग की बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये मेरी छोटी वाली बच्ची भी बहुत अच्छे से खा लेती है और तरीके से भी बनाती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं और रेसिपी भी जो मैं बनाती हूँ जनरली एग की, वो आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें एग को फेंटा नहीं है, चमचे से ही हम चलाते जाएंगे और ये साथ ही साथ पकता भी जाएगा और फिटता भी जाएगा। और ये जो भुर्जी होगी ना, आप बना के देखिएगा ना, बहुत अच्छी बन करके रेडी होती है। सबसे बड़ी बात होती है ना, ये छोटे से बड़े सबको पसंद आ जाती है, बच्चे इसको बहुत अच्छे से बड़े मन से खाते हैं। तो आप इसको बना के ज़रूर देखिएगा। और तीखा या जो मिर्च मसाले हैं वो अपने हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं इसमें। मैं थोड़ा सा कम तीखा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो भी हम बनाते हैं वो सब लोग खाते हैं, मतलब छोटे से लेके बड़े तक, तो इसलिए मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाती हूँ। बच्चों के लिए अलग से बनाती नहीं हूँ, बच्चे वही खाते हैं जो बनता है। तो ये देखिए, बातों बातों में मेरी भुर्जी तो लगभग पक चुकी है और इसको बस हम ऐसे ही चलाते जाएंगे जैसे ये हर तरफ से पकती रहे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरी धनिया, आधा मैंने बचाया हुआ है, आधा मैं डाल दूँगी। हरी धनिया डालने के बाद भी हम इसको करीब 1/2 से 1 मिनट और रखेंगे गैस पे और इसको चलाते रहेंगे, जिससे धनिया सब्ज़ी भी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि ये भुर्जी है ये अलग अलग रहती है। तो बस ये देखिए, हमारी अंडा भुर्जी बन करके रेडी हो गई है खाने के लिए फटाफट वाली। तो आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा। और बस बाद में हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया और डाल देते हैं और हम इसे ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी और बनने में बहुत
जल्दी वाली ये जो रेसिपी है आप बना के ज़रूर देखिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।